जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज इस सेशन के अंदर। मैं आपका साथी वारजाट लेके हाजिर हूं आप सभी के बीच में बड़ी अपडेट के साथ। इस अपडेट में देखने वाले हैं आगामी भर्तियों के लिए जो रोस्टर प्रणाली लागू की जा रही है, क्या है रोस्टर प्रणाली और क्या नहीं है। शिक्षकों की भर्तियों के बारे में बड़ी घोषणा जो आपकी रोस्टर प्रणाली का हुआ है, क्या है ये नया नियम, तो नया नियम आपको जानना जरूरी है। इस नियम के बारे में संपूर्ण प्रक्रिया देखने वाले हैं। आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ते हैं। चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे, मिलेंगे आपको सारी जानकारी के साथ। तो आप इस जानकारी के अंदर देख सकते हैं अखबार न्यूज, ये न्यूज आपने टेलीग्राम पे देख ली होगी। अपने टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपको ये सबसे पहले सबसे सटीक आपको जानकारी मिलती है वहां पे। ठीक है, तो इसके अंदर देख सकते हैं भर्ती में आरक्षण के अनुरूप कैटेगरी को भी करना होगा शामिल। तो इसके अंदर यूनिवर्सिटी और कॉलेज को रोस्टर प्रणाली से करनी होगी शिक्षकों की भर्ती। तो इसके अंदर शिक्षकों की भर्ती क्या रोस्टर प्रणाली है, मोटा मोटी बात बता दूं। ये रोस्टर प्रणाली ये है कि आपको यूजीसी के द्वारा आपके लिए गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए कि वो टाइम टू टाइम अपडेट क्यों नहीं दे रहे, अपडेट दीजिए कितने पद खाली है क्या नहीं है, तमाम बातें इसमें बताइए जो बोर्ड को पता रहनी चाहिए। तो इसके अंदर यूजीसी 31 जुलाई को आपका पोर्टल पर रोस्टर के अनुसार रिक्त पदों की सूचना अपलोड करने के आदेश दे चुकी है। ये रोस्टर प्रणाली है कि कॉलेज को यूनिवर्सिटी को स्कूलों को टाइम टू टाइम अपडेट देना है कि आप इस विद्यालय के अंदर इतनी सीटें खाली है, इस पोर्टल पर अपडेट करिए ताकि हमें एकदम पता रहे। फैक्ट फाइल क्या है, कितनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है 13, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कितनी है 53, प्राइवेट कॉलेज कितनी है 1897, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कितने हैं जो आपकी 1500, गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं 557। ये तो आपकी फैक्ट फाइल के अनुसार आपका आ गई। इसके अलावा देश भर के अंदर यूनिवर्सिटी और जो आपकी महाविद्यालयों में अब रोस्टर प्रणाली शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, इसके लिए शैक्षणिक संस्थानों को आरक्षण के अनुरूप अपना भर्ती का रोस्टर बनाना होगा। आरक्षण के अनुसार किस आरक्षण से कितने पद भरे हुए हैं वो भी इसके अंदर भर्ती के अनुसार आपको बताना पड़ेगा। नियम क्या है, यूजीसी नियमानुसार स्टूडेंट टीचर अनुपात जो आपका अनुपात है 1:10 होना चाहिए। हर विषय में न्यूनतम 3 सहायक आचार्य और 2 सहायक आचार्य, 1 प्रोफेसर के पद स्टाफ का नियुक्ति की जानी चाहिए। ये तो नियम है। तो जिसके अंदर देख सकते हैं 1:10 मतलब 10 विद्यार्थियों पर 1 आपके प्रोफेसर होना ही चाहिए। इसके अलावा दूसरा नियम है कि नियमानुसार एक भर्ती में पैनल में मेरिट की वैधता 6 महीने से अधिक नहीं हो उसके पश्चात पदों में नए आवेदन में पैनल बनाए जाएंगे। तो इसके अंदर भर्ती की वैधता और भर्ती का गैप जो रहता है 6 महीने से ज्यादा नहीं रहे उसके लिए तरीका बनाया जाएगा जिससे आपको टाइम टू टाइम भर्ती आए, प्रॉपर काम हो। ठीक है, भर्ती प्रक्रिया में स्कूटिंग के बाद पैनल इंस्टीट्यूट PI के माध्यम से मेरिट तैयार की जाएगी। तो ये मेरिट तैयार करने की बता रहे हैं। इसके अलावा भर्ती UGC रेगुलेशन 2018 के अनुरूप की गई शैक्षणिक स्टाफ PhD या नेट हो, तो इसके अंदर भर्ती की मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है प्रोफेसर वगैरह की PhD या नेट हो, नियमित PhD शैक्षणिक स्टाफ ही PhD का गाइड नियुक्त किया जाएगा। जो PhD का गाइड होता है वो आपका PhD के शैक्षणिक स्टाफ जो PhD कर रखा वही हो सकता है। ये जो नियम है 2019 में जारी किया गया था, पत्र में क्या जारी हुआ था 2019 में UGC ने एक पत्र जारी किया था, इसमें रोस्टर प्रणाली के तहत पद भरने के निर्देश दिए थे, लेकिन UGC के पत्र पालना नहीं होने गई। अब UGC की सख्त कार्रवाई की हियादत देते हुए रोस्टर प्रणाली की पालना करने के निर्देश दिए हैं। जो आपके इसलिए जरूरी क्या है, जरूरी है इसके अंदर कि आपके लिए यहाँ पे UGC की तरक है कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षा दी जा रही है, लेकिन विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं, नई शिक्षा नीति की पालना नहीं हो पा रही है। पद रिक्त नहीं होना ये एक रोस्टर प्रणाली का नियम है कि पद रिक्त नहीं हो सकता, पूरा पद भरा जाएगा, टाइम टू टाइम कॉलेज लगेगी, टाइम टू टाइम अपडेट होना चाहिए सब कुछ, ये एक रोस्टर प्रणाली है। क्यों नहीं हो रही, इस प्रयास में किए जा रहे हैं UGC के इस पात्र के बाद राज्य सरकार स्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेज सहित निजी यूनिवर्सिटी में हलचल शुरू हो गई है। कारण है कि प्रदेश में अधिकतर यूनिवर्सिटी में रोस्टर नहीं बने और दरअसल विश्वविद्यालय में अनुदान आयोग के सचिव मनीष जोशी की ओर से हालचाल सर्कुलर जारी किया गया, इसमें UGC के सभी निजी व राजकीय विश्वविद्यालयों की ओर से जो आपके संबंध महाविद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि उस शैक्षणिक संस्थानों आरक्षण के अनुरूप भर्ती का रोस्टर बनाना होगा। जो ये स्थायी तौर पर भर्ती में रोस्टर लेकर आ रहे हैं, रोस्टर मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं,
तो ये सब चीजें जो आपकी है कंटिन्यूटी बांधने के लिए, टाइम टू टाइम सब कुछ सर्कुलेशन कंटिन्यू रहे उस हिसाब से करने के लिए जो रोस्टर प्रणाली है लागू की जा रही है। ये यूजीसी के द्वारा की जा रही है, एजुकेशन बोर्ड पे की जा रही है, तमाम संस्थान पे की जा रही है स्टेट लेवल की, और इसके अंदर जो नई शिक्षा नीति होगी उसके तहत की जाएगी। 2025 तक इसके अंदर टाइम लग जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा कुछ ऐसा प्रावधान नया फाइनली जारी नहीं हो गया, ये पहले से चल रहा है वही है, इस पे थोड़ा सा और फिर से ध्यान दिया गया है और तमाम बातें ऐसी होती रहेगी। आप अच्छे से अपनी तैयारी जारी रखें, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड नीट यूजी तमाम जैसी भर्तियां भी तैयारी कर रहे हैं वो भर्ती की तैयारी करते रहे, बेहतरीन करते रहे, जिससे आपकी भर्ती आए उसमें अपना सपना साकार हो सके। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।